जुडिशरी के अंदर पेपर लीक होने लगते हैं, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। राजस्थान वो राज्य पहला राज्य देश के अंदर जिसने लोगों को जेल में डाल रखा है। आज भी जो जिसने ये हरकत की है सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको शायद मालूम है कि हम लोगों ने कानून पास किया भी बजट के पहले सेशन के अंदर असेंबली में कानून बना दिया। अब इसका कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जो तो और कड़ा कानून बनाएंगे, पर किसी कीमत पर यहाँ लीक नहीं होने देंगे। पर दुर्भाग्य से कई राज्यों के अंदर जुडिशरी के अंदर, राजस्थान जुडिशरी के अंदर और आर्मी के अंदर भी पेपर लीक हो रहे हैं। ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई। कुछ कुछ ऐसे गिरोह बन गए जो ही काम करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं। जो बच्चे इसमें शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, जिससे कि फ्यूचर में कोई बच्चे इस प्रकार इन्वॉल्व नहीं हो, पढ़ाई करके पास हो और नौकरी में जाए। सर, राजस्थान में लगातार बड़ी परीक्षाएं लीक हो रही है, राजस्थान के अलावा कई राज्यों में हो रही है, पर वहाँ कार्रवाई नहीं होती है। राजस्थान को राज्य ना कार्रवाई भी होती है, लीक भी हो तो कार्रवाई भी हुई, लोग जेलों में बैठे, अभी तक जेलों में बैठे हुए लोग है। अभी आगे भी हम लोग आज भी कार्रवाई हमने सख्त की है, लोगों को अरेस्ट किया है, सख्त कार्रवाई करेंगे। जल्दी अगले महीना जल्दी हम वापस परीक्षा करवाएंगे। सर, भारत जोड़ो के बाद हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने वाला है, काफी लोगों में उत्साह है। कल बैठक भी हुई है दिल्ली में लेकर, और राहुल बहुत उत्साह था सब में, खुल के विचार प्रकट किए सबने, और सब जगह रिपोर्ट अच्छी आ रही है कि पब्लिक ने साथ दिया भारत जोड़ो यात्रा का, वो भी मिसाल है। लोग समझ गए कि महंगाई की मार बहुत बड़ी है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, बेरोजगारी बहुत भयंकर फैल चुकी है, कोई कदम नहीं उठाए जा रहे और देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, वो समाप्त होना चाहिए। तीनों मुद्दे राहुल जी के जो इतने शानदार हैं, पूरे देश के अंदर जहाँ यात्रा नहीं गई है वहाँ के प्रदेशों में भी, वहाँ के गांव में भी, वहाँ के घरों के अंदर ये संदेश पहुँच चुका है, उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भी आगे अभी शीघ्र ही, आजकल मालूम पड़ जाएगा आपको, शीघ्र ही राजस्थान में कांग्रेस अपना अधिवेशन बुला रही है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी बैठ के विचार विमर्श करेंगे और ये जो नया प्रोग्राम दिया है इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो चर्चा भी करेंगे और अधिवेशन में कई प्रस्ताव पास भी होंगे। सर, यात्रा को आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी का एक नया रोल सामने आया है, उन्होंने आपसे भी पूछा कि राहुल जी आप अनुभवी हो, अशोक जी मेरे बारे में क्या सोचते हो, आपने भी दिल की बात रखी, जो एक इमेज उनकी राहुल गांधी जी की इमेज का जो षड्यंत्र था, करोड़ों रुपए खर्च करके वो षड्यंत्र उन्होंने बनाया सोशल मीडिया के माध्यम से, वो ध्वस्त हो चुका है। राहुल गांधी की नई इमेज देश के अंदर उभर के आई है और आप निश्चित मांगे चले कि उनकी यात्रा बहुत सफल रहेगी आगे भी। और यहाँ मैं फिर कहना चाहूँगा, ये हमें चिंता लगी है कि पेपर लीक हो कह सकते हैं। आज भी करीब 45 लोग अरेस्ट हुए हैं और मैं समय तो बच्चों को ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं हम लोग, और साथ ही जो नई डेट भी आज दे देंगे हम लोग, तो लगे हुए हैं। पर ये मैं समझता हूँ कि पेपर लीक होना बच्चों में बहुत बड़ी निराशा भाव पैदा होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं बाद में मालूम पड़ता है पेपर लीक हो गया, तो ये मैं समझता हूँ हम रोक के रहेंगे। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, उसको बिहार में रोका गया था, अब राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, तो उसके ऊपर भी केंद्रीय मंत्री का पत्र लिखा, तो क्या यात्रा रोकने से उनकी, देखिए वो पत्र लिखना मैं समझता हूँ कि उन्होंने पता नहीं किसके दबाव में लिखा, क्यों लिखा है, क्योंकि 20 तारीख की डेट है, 20 को हमारे मेंबर पार्लियामेंट राजस्थान के 3 मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं कि आप ये जो है कोरोना लागू है हो गया है और यात्रा रुकनी चाहिए, जैसे कुछ लिखा होगा, पता नहीं क्या लिखा। आईबी ने रिपोर्ट भेजी राजस्थान, और उसी ढंग से उसी दिन मंत्री जी ने पत्र मुझे भी लिख दिया, राहुल जी को भी लिख दिया, ऐसा कभी होता नहीं है। वो स्थिति होती तो हम लोग खुद आके मांग करते सरकार से कि कदम उठाना चाहिए। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कोरोना हमारे लिए प्रायोरिटी है। जब कोरोना फैला था राजस्थान में, देश में, राजस्थान वो राज्य था जिसने अपना मॉडल बनाया भीलवाड़ा का, पूरे देश में दुनिया में वो मॉडल पहुंचा और मॉडल वही रहा है उसका मुकाबला करने का। तो हमें गर्व है कि हमारे भीलवाड़ा मॉडल के कारण जो एक थीम बनी है कोरोना के इलाज की या रुकावट करने की, रोकने की,
वही काम है पूरे देश के दुनिया के अंदर। सब इलेक्शन मोड में आ गई है। एग्जाम की डेट